पता हम में है कहानियां है कहानी में। सो हाय, दिस इज शुभम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बायकॉट और बैन के बारे में। हमारे यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ बायकॉट और बैन होता रहता है। ऐसे में ये भी कहना सही ही होगा कि कुछ बायकॉट ट्रेंड सच में काम कर जाते हैं और कुछ बायकॉट ट्रेंड बायकॉट पलटन पे ही भारी पड़ जाते हैं, यानी जैसा वो चाह रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट हुआ था। और वो पलटन वो चीज को सक्सेस हो जाने के बाद में या फिर फ्लॉप हो जाने के बाद में फिर वो पलटन तुरंत फिर ट्विटर पे एक नया टॉपिक, एक नया प्रोडक्ट, एक नई मूवी ढूंढने लग जाती है कि कुछ किस चीज़ को वो वापस से ट्रेंड करे। आपको मैं बता दूँ, ट्विटर पे एक टॉपिक ट्रेंड करने के लिए अप्रॉक्स 10,000 लोग एक हैशटैग को सपोर्ट करें तो वो चीज़ ट्रेंड में हो जाती है ट्विटर में। तो कितना आसान है किसी भी बात को ट्रेंड करना या फिर बायकॉट ट्रेंड करना या फिर कुछ भी आप ट्रेंड करना चाहते हो, कितना इजी है ये करना। हाल ही में रक्षाबंधन पे आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा आने वाली है और जिसको लोग काफ़ी तेज़ी से बायकॉट कर रहे हैं ट्विटर पे। हाई बायकॉट आमिर खान, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड हो रहा है। आमिर खान जी उस पर रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मूवी को बायकॉट ना करो और मूवी देखो, मुझे सपोर्ट करो। अब यहाँ पे ऐसे में हमारे आमिर खान जी भी देशभक्ति की बात करते हैं। अगर इनके कुछ प्रीवियस इंटरव्यूज देखें तो यही आमिर खान जी बोल रहे थे कुछ दिन पीछे कि हमें देश से खतरा है। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. ठीक है, अभी अचानक से ये देशभक्ति की बात करके ये लिखते हैं कि मेरी मूवी को बायकॉट ना करो और मुझे भी बायकॉट ना करो। अब ऐसे में ये आमिर खान जी की मूवी पहली मूवी नहीं है जो कि बायकॉट हो रही है या फिर जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी ये कई बार अलग अलग प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जैसे कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जैसे स्नैपडील, लोगों ने उसे भी बायकॉट किया। स्नैपडील की हालत आप सबको पता है। वैसे आमिर खान जी की आने वाली मूवी जो लाल सिंह चड्ढा है उसके बारे में बता दूँ, ये एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल कॉपी है जो कि मैक्सिमम लोग देख चुके हैं। नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, आप इसे हिंदी में सबटाइटल भी कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। तो ऐसा कुछ नया वहाँ पे देखने वाला नहीं है, सेम टू सेम कॉपी है। वहीं साउथ इंडियन सिनेमा वो अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है। वहीं कुछ हीरो हमें 1990 में ले जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, बायकॉट आमिर खान, ये कुछ लोग तो जनवन है कि वो ऑलरेडी देख चुके हैं, वो नया कंटेंट देखना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं वो, मैं बताता हूँ इसके बारे में। साउथ इंडियन सिनेमा की दो तीन मूवी को उठा लो, जय भीम, RR, पुष्पा, झुकेगा नहीं, ये मूवियाँ एक अलग डायरेक्शन की मूवी है जहाँ से आप कोई लर्निंग्स ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलता पुष्पा से कोई लर्निंग ले सकते हो, लेकिन जय भीम मूवी मैं रिकमेंड करूंगा, वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग ले सकते हो। सिनेमा में भी बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बॉलीवुड सिनेमा को ऊपर बढ़ाने के लिए अब क्या करने लग रहे हैं कि साउथ इंडियन जो एक्टर्स हैं उनको अपनी मूवी के अंदर में ले रहे हैं। घर से थे चले तो ये बात हो गई। अभी एक मूवी है शाहरुख खान जी की, वो आने वाली है। उसमें एक करेक्टर है विलन का, शायद उनको उसमें कास्ट किया जा रहा है, विजय नाम है उनका। और पहली बार हमारी सुपरस्टार कंगना रनौत जी ने बोला है, मतलब सच ही बोल रही हैं अब की बार तो सच में सच ही बोल रही हैं कि ये जो बायकॉट ट्रेंड हो रहा है, बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, ये खुद ही आमिर खान जी करा रहे हैं। हो अब मुझे ये बात तो सही लग रही है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें जो लोगों को लगता है कि ये फ्लॉप होने वाली हैं, उनको लाइमलाइट में आने लाने के लिए लोग खुद ही बायकॉट ट्रेंड कराते हैं या फिर कुछ अलग से न्यूज़ चलाते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी सी पब्लिक में अपनी पोजीशन बनती है और उसके साथ में बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस जो होते हैं वो लोगों के माइंडसेट के साथ में खेलते हैं। यहाँ पे शायद कंगना रनौत जी अब की बार सही बोलती हैं। वैसे एक बात और मैं बता दूँ, जब भी ये बायकॉट पलटन करीना कपूर या फिर आमिर खान जी को बायकॉट ट्रेंड करती है, वो उससे ज़्यादा और आगे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बायकॉट पलटन है वो वही की वही है, वो जैसे ही नया टॉपिक मिलता है उसको बायकॉट करने लगते हैं।
ऐसे में करीना कपूर की कुछ दिन पीछे मूवी आई थी गुड न्यूज, जो भी अच्छा कलेक्शन करके गई। मैं साइड में थोड़ा ग्राफ दिखाता हूँ, दंगल आपने देखी होगी, लोग बाइकआउट जो पलटन है उसने दंगल को भी काफी ज्यादा बाइकआउट, दंगल बाइकआउट आमिर खान ट्रेंड किया था, वो भी अच्छा कलेक्शन करके गई थी। उसके बाद में बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जिनको बाइकआउट किया गया लेकिन उन्होंने कलेक्शन अच्छे किए। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो मूवी के लिए ये पलटन बाइकआउट ट्रेंड कर रही है वो मूवी ऑलरेडी 160 करोड़ कमा चुकी है। तो भैया जो लाल सिंह चड्ढा है उसके ऑफिशियल राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं, जहाँ से उनको 160 करोड़ के आसपास आ जाएगा। और अल्लू अरविंद तेलुगु के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इसके ऑफिशियल राइट्स लिए हैं, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ कलेक्शन आएगी। यानी मान लो कि आप 160 करोड़ हो और 50-100 करोड़ रुपए और, ठीक है, 250 करोड़ को मूवी ने ऐसे ही कमा लिए। अब बाइकआउट पलटन क्या करेगी, सिनेमा में भी जाएगी तो 50-60 करोड़ के आसपास का कलेक्शन मूवी कर ही लेगी मरे हाल में। अब जिनके बारे में ये बाइकआउट की पलटन ट्रेंड कर रही है, बाइकआउट लाल सिंह चड्ढा, बाइकआउट आमिर खान, बाइकआउट करीना कपूर, बाइकआउट शाहरुख खान, इनको ट्रेंड कर रही है, वो तो दिन पर दिन एड्स ला के और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। और ये बाइकआउट पलटन है वो अभी भी बाइकआउट हैशटैग बाइकआउट ट्रेंड कर रही है। अगर मैं मेरे को उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे तुम बाइकआउट बाइकआउट वो ट्रेंड करते हो, वैसे कभी कभी समाज के बारे में भी सोच के कुछ ट्रेंड कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रेंड कर दो, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है उसको ट्रेंड कर दो, तब तो कुछ बात बने। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। कमेंट में बताओ अगर आपको कुछ और भी लगता है कि बाइकआउट कौन ट्रेंड कर रहा है। कमेंट में ये भी बताओ कि आप लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए जाओगे और उनकी कलेक्शन और बढ़ाओगे।